कोरोना वायरस एक महामारी है, इसे निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 31 मार्च तक। लेकिन आप सत्ता पन्ने पे ही आप घरों से बाहर निकलेंगे और पूरी तरीके से इसका पालन करेंगे। 31 मार्च तक कष्टों को, गरीबों को, माताओं को घरों में रहना है। आप सत्ता पन्ने पे परिवार का कोई एक सदस्य कोई भी सामान लेने के लिए जाएगा तो एक मित्र की फोन बना के रखेगा, मास्क लगा के रखेंगे और बच्चों को लोगों को बिल्कुल नहीं घरों से बाहर निकलने देंगे। अवैध हो जाता है, इसलिए सावधानी बरतेंगे। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सावधानी है, इसलिए वो सावधानी कोरोना वायरस को फैलने से रोके, इस महामारी से रोक सकते हैं, आप रह सकते हैं इस बीमारी से, यही आग्रह किया जाता है। आप सभी जानते हैं दिल्ली के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तमाम दिल्ली पुलिस के स्टाफ से लोग दिल्ली में घूम रहे हैं। हम लोग आज एजेंडर एसोसिएशन की तरफ से समाज के क्षेत्रीय लोगों की तरफ से हम आपको समझाने के लिए घूम रहे हैं कि हम इसलिए इस महामारी से बचने के लिए हमारे अपने पास इतनी सावधानियां हैं। प्रधान भाई अपने बच्चों के शरीर से ध्यान देंगे और बीमारी से बचाएंगे, रहेंगे क्योंकि दिल्ली के अंदर धारा 144 लगी हुई है। कृपया करके अपने घरों में रहेंगे 31 मार्च तक। आप पूरी तरीके से दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का आप सभी पालन करेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। परिवार का एक सदस्य रखेंगे महामारी का कोर्स से सावधानी आपको करनी अपने बचाने के लिए पूरी तरीके से सभी से जिसे हर एक अनुरोध किया जाता है जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।